हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। सो माय नेम इज रोहित एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। सो आप सभी लोगों का एसबीआई पीओ मेंस आने वाला है, साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क मेंस आने वाला है। अगर मेंस लेवल की बात करूं तो दो मेजर एग्जाम्स आपके बाकी हैं। तो यहां पे मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहां पे कुछ चीजें समझनी है कि मेंस लेवल रीजनिंग्स में आता क्या है। तो मेंस लेवल रीजनिंग जो है दो भागों में डिवाइड, तीन भागों में मैं बोलूंगा। एक भाग में क्रिटिकल रीजनिंग आने लग गई है, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जो कि अच्छा खासा बेटर स्कोर करते हैं। दूसरा भाग में मैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को रखूंगा और तीसरे पार्ट में मैं रखूंगा मिसलेनियस। तो देखिए, एक बार बता दूं, मिसलेनियस तो आपको करना ही करना है भाई मेरे। मतलब आपको सबसे पहले इन दो टॉपिक को छोड़ के आपको इन टॉपिक्स पर पहले फोकस करना है। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है मॉक्स को तो मैं बताता हूं। आपको पहले क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर एंड तक आपको एक बार पूरा विजिट करना है। और अपने रफ कॉपी में मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज बता, मैंने ये बात अपने इसे रफ्तार रीजनिंग बैच वाले स्टूडेंट्स को बताई थी कि वो उनके पास जो A4 शीट है उस पर वो किनारे लिखते रहे कि 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 आपको क्या मिला है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले। और क्वेश्चन नंबर 6 में मान लीजिए आपको मिल गया रिवर्स, और क्वेश्चन नंबर 8 में मिल गया आपको कोडेड, तो आप इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। जब आप पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तब आपके माइंड में एक सेट बन जाएगा कि यार अच्छा मुझे इन इन क्वेश्चंस पे पहले फोकस करना। तो डायरेक्ट आप उन क्वेश्चंस पे स्विच करके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं, देखो रिवर्स से लॉग्स बहुत जरूरी है आपको करना, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और कोडेड इनक्वालिटी। तो डेटा सफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना ही करना है एग्जाम में, क्योंकि ये आराम से डुएबल है और इनकी खूब आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस के सोर्सेज भी आपको यहां पर बताऊंगा। तो भाई देखो, ये तो नॉर्मल है, ये तब है जब एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है उसका मूड एकदम नॉर्मल अच्छा है। अगर उसका मूड खराब है तो क्वेश्चन बना रहा है तो भाई वो ऐसे भी करता है कि दो टॉपिक्स को वो कंबाइन करता चला जाएगा और एक नया क्वेश्चन डेवलप बनता चला जाएगा। वो इतने कठिन नहीं होते हैं, एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो कि मैंने भी कराए हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने भी मेंस लेवल की जो मैं रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ रात को 11 बजे, उसमें मैंने कोडेड ब्लड और कोडेड डायरेक्शन को मैंने कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया था। तो होते ईजी है सब, उसमें कुछ नहीं होता है सब कुछ। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग का सर क्या किया जाए। देखो क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और मैक्सिमम टाइम्स आपके क्वेश्चंस सही हो जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, सो आई सजेस्ट यू कि आप इस क्रिटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी से ही, आज ही से ही फोकस करें। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और एसबीआई पीओ मेंस के लिए बहुत सही सजेशन दे रहा हूं मैं उन सभी स्टूडेंट्स का। और जिनका अंधी में मारते हैं और वो गलत भी हो जाता है, तो भाई आपको एक ही सजेशन है, मत करो क्रिटिकल रीजनिंग, छोड़ दो। ऐसा नहीं कि तुम क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये गंदी सोच है, ये गलत सोच है। पजल एंड सेटिंग, देखो पजल एंड सेटिंग यहाँ पे काफी तरीके की पजल्स एंड सेटिंग आती हैं। कभी कभी प्री लेवल्स की पजल्स आपको दिख जाती हैं जो कि केवल 2 या 3 मार्क्स की होती है, तो आराम से आप उनको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन पजल्स को ढूंढो पहले, नहीं मिलते हैं तब पहले ये सारा खंगाल लिया तुमने, ये पूरा मिसलेनियस खंगाल लिया तुमने, तुमको कुछ नहीं मिला, नहीं कर पा रहे हो। यहां तुम आओगे जब, मतलब यहाँ पे एक आध तो क्वेश्चन कर ही लोगे ना, यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुमको फिर से बहुत चूजी बनना है। देखो मेंस लेवल रीजनिंग को के सॉल्व करने के लिए चूजी बहुत जरूरी बनना, तो उन क्वेश्चंस को ढूंढो जिन क्वेश्चंस को तुम लगा चुके हो। देखो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सोर्सेस अब बता देता हूँ, स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। मिडनाइट वॉरियर 2, इसके बारे में क्या है ना, मैं बताऊं तो इसमें मैंने सब कुछ कवर किया यार, पजल्स भी ली है, मिसलेनियस भी लिया है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 40 वीडियोस आपने सॉल्व कर लिए तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं ये नहीं है कि इसी से ही क्वेश्चन डिटो यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे आप लगा लीजिए, तो गलत बात है ये कहना। लेकिन मैं ये कह सकता हूं अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगाया तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी अभी यहां थी इस पर आप एकदम एक नंबर ऊपर बन जाओगे, क्योंकि सोचने का तरीका इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक और सजेशन दूंगा, अगर आप इस प्लेलिस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो सवालों को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, खुद का दिमाग लगाइएगा, क्या पता जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उससे शॉर्ट तरीके से आपके दिमाग में चीजें चल रही, क्योंकि हर इंसान की सोचने की एबिलिटी अलग अलग होती है। रीजनिंग में यही सिर्फ होता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से हमारे गुरुदेव कर रहे हैं हम बस वही कॉपी करते रहे, आप भी लगाइए सॉल्व, आपको भी कुछ ना कुछ अलग तरीके से चीजें दिखती चली जाएंगी। यही मेंस लेवल रीजनिंग की खासियत है कि इट वॉन्ट प्रैक्टिस, ये इसको चाहिए प्रैक्टिस करो, तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यार अभी बताओ इनपुट आउटपुट में कितने नंबर ऑफ लॉजिक्स हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है तो उसके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब वो क्वेश्चन उसकी स्क्रीन पे आता है तो वो सोच लेता है तुरंत। तो टोटल ऑल ओवर में अगर बताऊं प्रैक्टिस जरूरी है। तो मिडनाइट वॉरियर 2 आपके सामने है, मिडनाइट वॉरियर 3 भी है, मिडनाइट वॉरियर 4 भी है, मेंस लेवल रीजनिंग का आईपीएस पीओ मेंस का एक मैंने प्लेलिस्ट वो भी बना के रखी है, तो काफी लेक्चर आपके मेरे आपको दिख जाएंगे। आप उनको फॉलो करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एटलीस्ट आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे को ही फॉलो करो, ठीक है ना, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने जिस गुरु को फॉलो किया एक बार उसके सारे लेक्चर्स देख डालो एक बार,
आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने मेरे को फॉलो किया तो एक बार मेरे ओल्ड लेक्चर्स जितने भी हैं आप उनको देखिए, मेंस लेवल रीजनिंग के जो एक दो महीने पुराने मैंने मेंस लेवल्स पढ़ाए हैं, है ना। तो यही था मेंस लेवल रीजनिंग के लिए। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये कोई ये दिक्कत है। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स का, अगर आप गाइडली पीडीएफ बंडल का कोई भी कोर्स लगा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप मुझे यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं @rohit sir reasoning, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और एक और बात बता देता हूँ, रफ्तार रीजनिंग बैच फिर से रिज्यूम होने जा रहा है, ठीक है ना। मैं वहां पे SBIPO मेंस की क्लासेस लूंगा, तो जितने लोगों ने रफ्तार रीजनिंग बैच में एनरोल किया था वो लोग जाग जाएं, सोते ना रहें, जाग जाएं, SBIPO मेंस की क्लासेस आपके रफ्तार बैच में होंगी। मैं बार बार बोल देता हूं, तो बहुत बढ़िया बैच है ये, मैं गारंटी, मैंने रफ्तार बैच में मतलब स्टार्टिंग में मैंने ये लॉन्च किया था ये बैच, और आपको यकीन दिला दूं कि 50 प्लस वीडियोज है मेंस के, मेंस लेवल के 50 प्लस वीडियोज है। और एक बात और बता दूं आपको, यहां पे मैंने इनपुट आउटपुट को मैंने 10 घंटे मैंने पढ़ाया इनपुट आउटपुट को, है ना। तो चीजों को देखिएगा जरूर आप, और बताइएगा कि किस तरीके से आपको ये रफ्तार रीजनिंग बैच लगा। जितने लोगों ने परचेस किया जरूर कमेंट करके आपको बताया कि इसमें मैंने कितना अच्छे से बताया, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर मेंस एग्जाम टाइम।